उस्मान मीर एक भारतीय पार्श्व गायक है जो 2013 से हिंदी फिल्मों में गा रहे हैं। गाने मुख्य रूप से हिंदी और गुजराती में दर्शाए गए हैं। रासलीला रामलीला का गाना मोर बनी तनकट के पहला हिंदी फिल्म गाना है जिसे उस्मान मीर ने 2013 में गाया था। उस्मान मीर द्वारा गाया गया पहला गुजराती गाना फिल्म का शीर्षक गीत है मी तो चुंदड़ी ओदी तारा नाम नी, जिसका नाम संगीतकार एडविन वाज अप्पू थे। उस्मान मीर का जन्म 22 मई 1974 भयोर कच्छ गुजरात भारत में एक केड परिवार में हुआ था। उनके पिता हुसैन भाई गुजराती लोक वचन और संतवाणी में तबला वादक थे। उस्मान मीर को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा भोलाभाई मानसीय विश्वविद्यालय तेजा से 9वीं पास की और पढ़ाई जारी रखी। फिर अंततः उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता से तबसेला सीखना शुरू किया। 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ लाइव कार्यक्रम में किए वे तबला बजाना शुरू कर दिया। वे अपने ऐतिहासिक आरंभिक स्वर्गीय श्री नारायण स्वामी के साथ तबला वादक थे। उस्मान मीर के तबले के लिए अभी ही हुआ था। उन्हें गायन में बहुत रुचि थी। वह अपने पिता से गायन का प्रशिक्षण ले रहे थे और फिर उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने गुरु इस्माइल दत्तर से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। एक बार गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर एक संगीत समारोह में वह तबला वादक के रूप में पूज्य श्री मुरारी बाबू के तलकचगड़ स्थित आश्रम में गए, जहाँ पाठी भाई ने उस्मान की गायन क्षमता की प्रशंसा करते हुए बाबूलाल से मिलवाया। दर्शकों के लिए उनका पहला उपहार दिल का तेरा नक्शा है था। इसी समय एक गायक के रूप में उनकी गोल्डियम यात्रा शुरू हुई। उनका पहला संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रदीप दावे ने समर्थन किया था। उस्मान मीर लगभग किसी भी प्रकार के संगीत भजन गजल और शास्त्रीय सहज गुजराती लोग प्रस्तुत करने में की क्षमता रखते हैं। फिर कभी ना किसी अछूत वाले उस्मान ने हजारों सार्वजनिक पोस्टों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने लगभग 58 गुजराती फिल्में प्लेबैक में दी है। उन्होंने दुनिया भर के 25 देशों में प्रदर्शन किया है। जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी गायकी नुसरत सजा अली खान, टैगलाइन हसन और जगजीत सिंह और गुलाम अली खान से प्रभावित है। वे उनके आदर्श है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि वह अख्तर रहमान के कंपोजिशन के लिए गाए। गुजराती लोक गायक स्वर्गीय श्री हेमू कटवी का यह गाना लगभग 18 साल पहले संजय लीला बंसाली ने सुना था और यह उनका ड्रीम का गाना बन गया था। संजय भी ने यूट्यूब पर उस्मान को सुना था और उन्होंने इस गाने में उस्मान मीर को साइन करने का फैसला पक्का कर लिया था। उनके प्रोडक्शन हाउस से अगले महीने तक सोमनाथ मीर का पीछा गया। अंत में आदित्य नारायण ने सीधे उस्मान से बात करते हुए कहा, संजय जी आपको सही याद कर रहे हैं, आप मुंबई आ गए हैं। फिर से उस्मान की मुलाकात मुंबई से संजय लीला से हुई। संजय जी ने अपनी बात में कहा, मैं रबर के लिए नहीं जाना चाहता, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और यह गाना सिर्फ आप और आप ही गाए गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस गाने को रामलीला में शामिल करने का अपना विचार छोड़ दूंगा। यह गाना 2 टेक में ही ऑनियस रिकॉर्ड हो गया। संजय जी हिल गए और खुशी से झूम उठे और उन्होंने उस्मान मीर को जोर से गले लगा लिया। उस्मान मीर एक धर्मनिरपेक्षता का उपनिषद है। वह ढिलडोरा पीटने वाले व्यक्ति है। इस अज्ञ मुस्लिम कलाकार ने ज़्यादातर हिंदू मंदिरों, हिंदू महामंडलेश्वरों के आश्रमों में प्रदर्शन किया है और वह निश्चित रूप से पूज्य श्री मुरारी बाबूलाल के रामचरित प्रार्थना का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी और जहाँ भी संभव हो चोपला उसे एक रात का प्रस्ताव देते हैं। उस्मान मीर हुसैन भाई और सकीना बन्नू के बेटे हैं। उस्मान मीर ने हमीदा बन्नू से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। दोस्त